हेलो गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ विलेज पे जो सेकंड अपडेटेड के पास में है, हॉस्पिटल है सेकंड उसके। और मुझे भूख लगी है और तो मैं राइस खाने जा रही हूँ। मैं आज खाना नहीं बना रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज हम लोग चंगोंग गए थे तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने सोचा आज बाहर खा के आती हूँ, और यहाँ पे रोटी तो मिलती नहीं है इसलिए मैं चावल खाने जा रही हूँ विलेज में। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइव चावल बनते हुए और वहाँ का विलेज में क्या क्या मिलता है और प्राइस वगैरह क्या है सबकी। चलो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखो, फाइनली मैं पहुँच गई, मतलब विलेज है यहाँ का सेकंड एफिलिएटेड के पास वाला। और देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो गोभी को देखो, पानी पानी में कैसे बस उबाल के रखा है उन्होंने। वो कैबेज है, ये बैंगन है, और ये पली है, और बाकी पकोड़ा है। दिखने में अच्छा लग रहा है बट आई थिंक नॉन वेज होगा उसके अंदर। मुझे तो पकोड़ा देख के घर की याद आ गई, घर में गरम गरम पकोड़ी। यहाँ का विलेज है एक हॉस्पिटल के पास में, और यहाँ पे जूस की शॉप है। ये देखो बहुत सारी टाइप की जेली है इसके पास। और आपको देखो यहाँ पे चिकन दिखाते हैं मुर्गी का, ये है मुर्गे वाला है ये देखो। और देखो आपको यहाँ पे ये देखो, ये फिश है, और ये देखो चिकन। अब वो तो रोस्ट किया हुआ है, लाइक पका हुआ है, और ये कच्चा वाला चिकन है। और देखो मुर्गा भी बेचारा, इसको पाल रखा है। इसके अंदर बहुत सारा चिकन है अंदर तो। और भी एक एक यहाँ पे देखो इतने सारे रेस्टोरेंट है इसमें भी देखो, पता नहीं देखो ये सब सब्जियां ना, वो भैया वो खान खान। और मैं फाइनली जिस शॉप पे आई हूँ राइस खाने, वो ये वाली शॉप है। इनके पास मैं हमेशा आती हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे रखा रहता, आप ले लो खाने का। और तो मैं इनके पास आई हूँ। नी हाओ, हेलो, नी हाओ माँ, नी हाओ माँ, हाँ ना, हाँ ये देखो ये इनकी शॉप है पूरी। ये बहुत अच्छे राइस बनाते हैं, फ्राइड राइस। और देखो कितनी सारी सब्जियां, इतनी सारी कटी हुई। तो अभी मैं सब्जियां लेती हूँ, फिर इनको देती हूँ राइस बनाने के लिए, और आपको लाइव में राइस दिखाती हूँ। देखो वो हेलो बोल रहे हैं। सबसे पहले ना मुझे ये राजमा लेना है, ये राजमा है। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्न। यहाँ के फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत अच्छे। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ टोमेटो और चिली। हरी मिर्च अच्छी होती है ऐसे हेल्थ के लिए। और थोड़ा सा टोमेटो लेने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे लेना है ऑनियन, थोड़ा सा कैबेज ले लेते पहले। ये है देखो कैबेज ले लिया मैंने थोड़ा सा। इसके बाद मैं मुझे लेना है गाजर, गाजर भी अच्छी होती है, विटामिन ए होता है उसमें भी। ये देखो मैंने गाजर भी ले लिया। अब इसके बाद मुझे लेना है ऑनियन एंड देन फिर आलू। ये देखो मैंने फाइनली इतनी सारी सब्जियां ले ली है, अब ये मैं इनको देने वाली हूँ। ये देखो अभी बना रहे लाद दिया ओके, और जगह दो वो जगह। अब देखो ये मैं आपको लाइव चावल बनाते हुए दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे चावल बनाते हैं, ये एक भी डालते हैं। और बट मैं एक एक नहीं खाती, तो वैसे आप एक के साथ खाओगे तो भी आपको 10 RMB का मिलेगा, और विदाउट एक भी 10 RMB का ही मिलेगा आपको। और देखो यहाँ पे ना जैसे ये इन्होंने सेलेक्ट किया ना, सबको जो जो खाना हो आप एक इस कटोरी में आपको जितना आ सकता उतना आप डाल सकते हो यहाँ पे। ये है, और ये है इनके मसाले। देखो ये चीजें डालते थोड़ा थोड़ा, इनके ज्यादा कोई हल्दी वगैरह कभी नहीं डालते, हल्दी वगैरह नहीं होती इनके।
मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मोपली वाला। तो ये मेरे लिए बना रहे हैं, और ये गार्लिक वाला पेस्ट है और चिली है। हाँ जगह दो और लादिया। मैंने बोला थोड़ा सा स्पाइसी करना, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा फीका खाते हैं, लाइक कम मसाला खाते हैं ना इसीलिए। तो और ये देखो यहाँ पे ऐसे सामान लेते हैं ये लोग, जो जो खाना हो आप कटोरी में ले सकते हो ऐसा। और वो चावल है तो वो देखो, फिर उन्होंने चावल डाल दिए। उसके बाद और बस बनने वाले हमारे फ्राइड राइस, ओनली 5 मिनट लगते हैं बनने में। हाँ दो दो। ये मसाले डालेंगे अभी। लाइक यहाँ के फ्राइड राइस वैसे ज्यादा महंगे नहीं है, देखो इंडिया का 120 रुपए, बट वे बहुत सारे देते हैं वैसे तो सही है, मतलब ज्यादा नहीं है कॉस्टली वैसे। ये देखो इन्होंने ऐसे दे दिया, और यहाँ पे जीरो वगैरह भी है थोड़ा सा, तो आप डाल सकते हो अगर आपको डलवाना हो तो। और यहाँ पे ये देखो ये इनकी शॉप है, सब अंदर बैठ के खा सकते हो। और यहाँ पे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है और बियर भी थी, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा थोड़ा सा डाली वाली, तो जिसको जो पीना वो ले सकते हो। और ये है ना इनकी वाइफ है, तो एक तरफ देखो इनकी वाइफ भी बनाती है, और वो है ये इनकी वाइफ है, ये भी बहुत अच्छा बनाते हैं दोनों ही। तो देखो फाइनली मेरे फ्राइड राइस रेडी है। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, ओनली 5 मिनट भी नहीं लगा, मतलब लाइक 3-4 मिनट लगे बनने में, और रेडी भी हो गया। ये देखो बन गया। अब शीशे ये देखो गई, फाइनली देखो गाइस मेरे फ्राइड राइस बन गए, इतने टेस्टी टेस्टी से, यम्मी यम्मी से। देखो फाइनली मेरे ना फ्राइड राइस बन गए, और मुझे बहुत भूख लगी थी, और गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं यहाँ के। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे लाइक दूर है थोड़ा, बट मैं आ जाती हूँ हमेशा खाने जब भी मुझे भूख लगती है। और देखो ये बहुत अच्छे है, ये बात भी बहुत अच्छे से करते थे यहाँ पे। और देखो मेरे कितने प्यारे से फ्राइड राइस है, इसमें सब कुछ है, देखो कितनी सारी सब्जियां है इसमें, करेला वगैरह सब कुछ है इसमें। तो अभी मैं खाती हूँ फिट है, और फिर मैं यहाँ का मार्केट आपको घुमाती हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है यहाँ के फ्राइड राइस। बहुत ही यम्मी है, सच में बहुत टेस्टी है। तो मैंने देखो फाइनली राइस खा लिया, और अब मैं जा रही हूँ वापस से। बाय बाय। तो और देखो यहाँ पे ना रोस्टेड डक मिलती है इससे, इस वाली शॉप पे। और ये पार्सल वगैरह है तो पार्सल भी करवाते हैं। और यहाँ पे भी एक और फ्राइड राइस वाली शॉप है, और ये देखो यहाँ का मार्केट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छा सा दिखाती हूँ, मेरी फेवरेट चीज यहाँ पे। ये तो पोर्क वगैरह है, बट ये नहीं है मेरा फेवरेट। मेरा फेवरेट है वो आलू, वो बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। उसमें ना ये देखो वो बना रही है ना, वैसे मसाला डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर ऐसा मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं ये। देखो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे बनाते हैं ये आलू। और ओनली आपको पता है यहाँ पे ओनली देते 5 RMB का, लाइक बहुत अच्छा टेस्टी है। इसके बाद यहाँ पे जूस वाली शॉप है, और उसके बाद देखो फ्रूट्स वाली शॉप है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ना एप्पल मिल रहे हैं 12 RMB का, और ये ड्रैगन फ्रूट है 10 RMB का। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ये शॉप्स है, और इसमें तो बहुत प्यारे प्यारे क्रॉक्स हैं। ये देखो क्रॉक्स की एक और आगे शॉप है, उसमें और ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ना आपको पता है यहाँ पे ना फेशियल वाला मतलब शॉप है। आप फेशियल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, जैसे जैसे ये देखो वो ऐसा
लाइक एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह, इन सब के लिए। और यहाँ पे है बनाना की शॉप, यहाँ पे सबसे सस्ते बनाना मिलते हैं ओनली 3 RMB के, लाइक 40 रुपए किलो। पर ये वाला है 3.5 RMB का, बाकी ये 3 RMB के। लवन वो यार, तो मेरे को लेना है ओनली, मैं लेने वाली हूँ 2 बनाना। और देखती हूँ मैं आपको बताती हूँ 2 बनाना कितने के मिलते हैं। हाँ नहीं लियांग जगह जगह ओनली, मैं 2 लेने वाली हूँ 2 बनाना। और देखते हैं कितने का होता है, मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ। ओह हाउ द बाओमा गेन, लाइक 1 RMB का है तो लाइक 12 रुपीज के है 2 बनाना। तो हम इनको पेमेंट करते हैं। मैंने देखो पेमेंट कर दिया और 2 बनाना लिए ओनली। अपने यहाँ पे ऐसा होता है जैसे इंडिया जैसे नहीं, आधा किलो आपको आधा किलो या 1 किलो लेना पड़े, आपको जितना लेना उतना ले लो। और ये देखो प्यारा बच्चा कैसे चल रहा है इसकी मम्मी की। और यहाँ पे देखो सबका वीचैट का QR कोड होता है, तो आप स्कैन करो पेमेंट करो। नी हाओ, हेलो, हेलो, ये कितना क्यूट है ना ये, हेलो। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ आपको सब दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये आलू खा रहे हैं, लेकिन इनको पका के और इसके सारे मसाला डाल के। और यहाँ पे पता नहीं कुछ बनाते ये लोग, एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बना रहा है। ये चावल है, 3-4 टाइप के देखो इसमें चावल है, ये मीठे हैं, पता नहीं कौन कौन से। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखो यहाँ आपकी शॉप, छोटी छोटी शॉप स्टॉल्स लगी हुई है ना। और ये भी फ्रूट है, लाइक बेर जैसा कुछ है, वो तो ब्लूबेरी है। आपको मैं ब्लूबेरी की प्राइस दिखाती हूँ ना। अब इगे 2 शॉप चेन बाखवाई इगे, लाइक ये ना 8 RMB का है, लाइक 100 रुपए का। और जगह, और ये ब्लूबेरी का पूछता हूँ, जगह 2 शॉप चेन बुफाई, ये है 5 RMB का, लाइक 60 रुपए का ये इतना सा। अब ना वो बोया वैसे मेरे को पसंद नहीं है इसीलिए। और देखो यहाँ पर एक सुपर मार्केट, इसमें कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है। उसके बाद देखो इतनी सारी शॉप्स है यहाँ पे। और आपको पता है मैंने अपना हीटर है ना वो इसी वाली शॉप से लिया है, अभी तो होंगे नहीं वैसे, अब तो सर्दी जाने वाली है। हाँ अब तो नहीं है वैसे हीटर, बट मैंने अपना हीटर इसी वाली, और मैंने अपना राइस कुकर भी इसी वाली शॉप से लिया था। और आगे ये क्या कर रहे हैं, आई थिंक टेम्पल लगाते हैं ये तो। उसके बाद देखो यहाँ भी फ्रूट की जो की शॉप है, देखो मैंने इतने छोटे छोटे नींबू बस यहाँ पे देखे हैं ना। और देखो यहाँ पे भी देखो सुपर मार्केट है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्या है। और देखो आपको देखती प्राइस तो लिखी हुई है 9.3 RMB। ये तो सब टिश्यू पेपर है। और यहाँ पे कार्ड वगैरह, ये देखो यहाँ पे डाली वाली फिर से बियर आ गई, ड्रिंक वगैरह। और ये तो सारे फ्रूट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये दूध वाला सेक्शन है, ये मिल्क है। पहले मैं ये वाला मिल्क पीती थी, अभी मैं दूसरा मिल्क पीती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कार्ड है, और ये देखो ये पैकेट होता है ऐसे, अब जैसे वो ये एक बॉक्स है ना, इसके अंदर है ना ऐसे पैकेट, लाइक 12 पैकेट निकलते हैं। और ये दूध खराब नहीं होता, 1 महीने तक आप इसको बाहर ही छोड़ दो, लाइक 1 महीने से भी ज्यादा आप छोड़ सकते हो, 3 महीने तक खराब नहीं होगा। और जो मैं दूध पीती हूँ अभी वो ये वाला है प्योर मिल्क जो हम लोग पीते हैं, पर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं इसीलिए हमें यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। और कर्ड जो हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन वो ये वाला होता है, बहुत अच्छा होता है,
मीठा होता है बट यहाँ का अपने इंडिया जैसा खट्टा नहीं होता। बस ये सारे कर्ड ही है यहाँ पे इतना सारा। और ये है 6.9 RMB का, वैसे सही प्राइस है, ऑनलाइन भी इतना ही मिलता है इसीलिए। ये देखो यहाँ पे तो चॉकलेट्स वगैरह है, बहुत सारी कैंडी वगैरह। वो पता नहीं क्या है, देखो फिश का है ना, पता नहीं कुछ है, एक्चुअली नहीं पता क्या है। और देखो पॉपकॉर्न, पता है बट ये पॉपकॉर्न बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मीठे मीठे से बहुत गंदा टेस्ट है। और देखो फैन भी है यहाँ पे, देखो कितने क्यूट क्यूट फैन है। और आपको पता है मेरे को भी फैन लेना है अभी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लग गई ना, तो हमारे वैसे छोटे फैन से काम हो जाता। तो वैसे मैं पूछती हूँ एक फैन का प्राइस वगैरह, कुछ छोटा सा ही चाहिए होगा क्योंकि मुझे तो। देखो ये वाला भी बहुत क्यूट लग रहा है वैसे ना, इसका प्राइस पूछते हैं अपन। देखे लवन जिगे दो सौ चेन, आई थिंक 29.9 RMB का आई थी। ओ हद। और ये वाला नहीं, हाउ द शीशे तो लाइक 30 RMB का ही है, लाइक ज़्यादा नहीं है, लाइक 360 रुपये का है ये वाला। ये वाला पंखा छोटा वाला, तो मुझे वैसे छोटा ही लेना है, तो मैं एक बार देखती हूँ, अगर मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ अगर इससे अच्छा होगा तो ऑनलाइन से, बाकी फिर मैं यहीं से खरीदूंगी। पर देखो क्यूट है ना। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती, तो आपका काम चल जाएगा मतलब फैन से। और वैसे भी मुझे थोड़ा ठंड से प्रॉब्लम है, तो मेरा तो वैसे ही चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ होती है बॉयलर। आप इसमें राइस चाय कुछ भी बना सकते हो, एक मेरे पास भी है और मैं TEC में बनाती हूँ हमेशा। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ ना, ये वाला ना, लेकिन इसके लिए आपको इंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंडक्शन और पेन दोनों का काम करेगा। लेकिन इसमें बटन ना वो दबा दो, चला दो, आप उसको ऑन कर दो, और इसके बाद आप इसी में कुकिंग कर सकते हो लाइक। और जैसे हम लोग तो इंडक्शन के ऊपर करते हैं ना कुकिंग, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों का काम करेगा लाइक इंडक्शन और पेन बोथ। तो इसलिए अच्छी चीज़ है ये। तो चॉपिंग बोर्ड है बहुत सारे है, वैसे अच्छे है सारे। और देखो कुकर, देखो कितने बड़े बड़े। देखो मैं आपको है ना यहाँ के कुकर्स की प्राइस दिखा देती हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ के कुकर, ये वाला तो पता है थोड़ा कुछ यूनिक ही है, थोड़ा अलग सही है, मैंने ऐसा कुकर नहीं देखा है। बट आप इसकी प्राइस देख लो, 298 RMB, लाइक 300 RMB है। तो लाइक ये अपने इंडिया में होगा 3500 का, वैसे सही है। बट यार अपने इंडिया में छोटे छोटे कुकर आ जाते हैं वैसे 1000-1200 में, तो ना ये वाला कुकर है गाइस 3500 का। और ये थोड़ा तो लेके साइज, साइज के अकॉर्डिंग है ना, छोटा फिर बड़ा लेके ऐसा, तो थोड़ा 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 प्राइस कम ऐसा। और जैसे जो मेरे पास कुकर है गाइस वो ये ऐसा वाला है, तो इसमें सबसे बड़ा ये है, तो इसकी प्राइस है 165 RMB, लाइक 2000-1000 रुपये के समथिंग है इसकी प्राइस। और मेरे पास जो प्रेजेंट टाइम पे कुकर है ना, हाँ लाइक वो ऐसा है गाइस, ये ऐसा है, इतनी साइज है मेरी। बट मेरे को है ना इतना छोटा चाहिए था, बट मेरे को मिला नहीं था गाइस वहाँ पे छोटा कुकर उस टाइम, और मुझे कुकर भी चाहिए था, तो फिर इसलिए मेरा मेरा थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो 99 RMB का, लाइक 1200 रुपये का कुकर है ये। और ये राइस कुकर से ये भी, इसके अंदर आप राइस डाल दो पक जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये डेट, ये वाली खजूर है ना बहुत अच्छी है, लाइक टेस्टी है वैसे। और देखो यहाँ पे इंडिया जैसे इमली भी मिल रही है, देखो इमली वगैरह, ये है 9.90 RMB की, लाइक 120 रुपये की है ये पैकेट, 350 ग्राम है। और तो ये सब पता है, ये सब तो नूडल्स वगैरह ये सभी है, बट अच्छी चीज़ें नहीं है, हेल्दी तो है नहीं बिल्कुल भी। और देखो यहाँ पे दाल वगैरह है, जैसे मूंगड़ा और राजमा भी है, ये देखो राजमा वगैरह सब कुछ है। और बाकी ये सब पता नहीं क्या है, ये सब मुझे नहीं पता, मतलब चावल है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या मिक्स कर रखा है वैसे इन लोगों ने। और देखो मैं आपको यहाँ पे चीनी की प्राइस दिखाती हूँ ना। अब जैसे मैं वो होता ना मोटा वाला शुगर, लाइक इसको पता नहीं कुछ बोलते हैं हिंदी में अपने लैंग्वेज में, इसकी प्राइस है देखो ये मतलब 9.50 RMB की, 9.5 RMB का है, लाइक 120 रुपये का ही है, ओनली 560 ग्राम। और आपको चीनी की प्राइस दिखाती हूँ। अब ये है शुगर, शुगर हाँ, अब जैसे शुगर है ना, 1 किलो शुगर भी पता है आपको 120 RMB की शुगर है,
120 रुपए की है यहाँ पे किलो, और इंडिया में आपको पता है 50 रुपए की मिल जाती है ऑब्वियसली, है ना, तो लाइक डबल रेट हो गया ऐसा। और ये देखो पता नहीं क्या क्या है, ये सब ये लोग ही खा सकते हैं, वैसे हम लोग तो नहीं खा सकते। और आपको पता है इसमें देखो पता नहीं किस चीज़ के अंडा है, पता नहीं मेरे को समझ ही नहीं आता ये लोग खाए क्या क्या खा लेते भाई। ये देखो मुर्गी का पैर बेचारे, आई थिंक इसमें तो फिश है। और इसीलिए ना पता है मेरे को यहाँ की चिप्स वगैरह कुछ भी मेरे को नहीं अच्छा लगता, फिर मैं ज़्यादातर मोस्टली मैं बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाती हूँ। ये देखो पूरा नॉन वेज, देखो इन्होंने लेग पीस वगैरह देखो पूरा ऐसा रख रखा है, क्या ही बोलो इनको। इतना सारा कुछ चीजें तो मुझे पता ही नहीं है क्या है इनकी खुद की। और इसमें भी जूस वगैरह कुछ पीनेगा, इसमें लाइक कुछ चीजें अच्छी हैं जो आप खा सकते हो, जैसे कुछ कुकीज हैं। अब जैसे आप देखो ना यहाँ पर पता है ओरियो लाइक, फिर भी ये तो मार्ट है ना तो थोड़ा सस्ता है, बट अदर कंपेयर टू जो आउटसाइड शॉप है ना उससे देखो 5.5 RMB का है, लाइक 70 रुपए का ओरियो है ये इसका। बट मुझे है ना पता है आपको कौन से, ये वाले बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रूट फन फ्रूट वाले, तो ये बहुत अच्छे हैं। वैसे है तो छोटा सा, अभी जैसे ये छोटा सा पैकेट है, ये है 4.5 RMB का, 60 रुपए का। इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे आपको। और यहाँ ना ये वाले भी बहुत अच्छे आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो लाइक इसके अंदर है ना ब्रेड टाइप में कुछ है खाने के लिए, और देखो ये पाइनएप्पल का बना हुआ है, तो ये अच्छी आती है टेस्टी। वैसे इसके अंदर 10 पीस है और ये भी 100 रुपए का ही है। और ये भी ये लिट्टी चोखा पता नहीं क्या है, ये भी बहुत अच्छा आता है, मैंने खाया है। और क्या दिखाऊं आपको मैं, कुछ दिखाती देखती कुछ अच्छा था कुछ यूनिक होता। मैं आपको चीन का नमक दिखाती हूँ, देखो ये है सॉल्ट, ये तो विदाउट आयोडीन है, और ये लो सोडियम सॉल्ट है, और ये आयोडीन वाला वो नीचे है। मैं आपको सॉल्ट की प्राइस दिखा देती हूँ नॉर्मली, है ना, प्राइस कहाँ पे लिखी हुई है। वैसे ये मिल जाता है, ये आपको पता है ये मिल जाता है 3-4 RMB का, 40-50 रुपये का आधा किलो। और यहाँ पे देखो कितने सारे नूडल्स हैं, इतने सारे टाइप के। और फिर आगे आता है ये देखो, ये वाली चीनी की बात कर रही थी मैं, मोटा वाला। और ये क्या है, ये भी चीनी है क्या, चीनी होगी और क्या, ये तो राइस है वैसा ना। ये देखो चीनी की प्राइस है यहाँ पे 11.90 RMB। और ये देखो पता है ये आपको गुड़ लग रहा है ना, मुझे भी वही लग रहा है, बट बाकी पता नहीं है मुझको भी वही लग रहा है, आप लोग बताना मुझे आपको क्या लग रहा है ये, मुझे तो वही लगा वैसे। और तो पता नहीं क्या क्या है ये सब, ये अचार वगैरह है कुछ, बट मुझे नहीं पता किसका अचार है क्या, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और यहाँ पे ये ऑयल वगैरह का सेक्शन है, ऑयल और यहाँ पे राइस से सारे। ये देखो ये राइस से पूरा सेक्शन राइस वाला है, ये देखो बहुत सारे राइस है यहाँ पे। बट मैंने तो मोस्टली अपने लिए राइस ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो आ गए। और देखो इतने सारे ऑयल भी हैं यहाँ पे, सारे टाइप के ऑयल है, सरसों का भी मिल जाएगा आपको, बट मैं यूज करती हूँ सोयाबीन वाला ऑयल। और वैसे सनफ्लावर वाला भी अच्छा आता है, ये कॉर्न वाला है। और देखो मैं प्राइस दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, ये लाइक 80 RMB का है, ये 1000 रुपये का है, ये कितना है 5 लीटर है। और ये कैंडीज है यहाँ पे, तो यहाँ का मार्ट ऐसा होता है, देख लिया होगा आपने, ये यहाँ का मार्ट है। तो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया लगभग सारी चीजें थोड़ा थोड़ा। और देखो यहाँ पे कितने टाइप की सिगरेट है, और देखो इन्होंने प्राइस भी लिखी हुई है कि 14 RMB की है, 150 रुपए की, ऐसे सबकी प्राइस लिखी हुई है इनमें।
सिगरेट यहाँ पे बहुत पीते हैं, सिगरेट हमारे यूनान प्रोविंस में बहुत फेमस है, बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। और आपको पता है, आपको देख कुछ और दिखा, देखो छोटी छोटी क्यूट क्यूट फैन मेरे पास है एक तो, ये देखो इसकी हवा आ गया ना, बहुत अच्छे से चल रहा है। और भी दिखाती है, इससे भी अच्छा वाला है ना, वाओ ये देखो कितना बहुत क्यूट है ना, बट इसके आई थिंक बटन नहीं है क्या, नहीं है ना, ये रहा गाइस। तो ये यहाँ से इसके अच्छा टैप लगा हुआ ना अभी, तो ये ऐसे चलेगा। इसकी प्राइस क्या है वैसे, तो एक सेकेंड मैं आपको प्राइस ही दिखा देती हूँ। प्राइस है ये देखो 10 RMB का है, लाइक 120 rupees के, ये कोई सा भी ले सकते हो आप। ये भी देखो कितना क्यूट है, देखो ये फैन लग रहा है आपको कोई किसी एंगल से, इसका बटन यहाँ पे, ये देखो प्राइसिंग इसमें अभी चार्जर नहीं है या फिर ये अच्छा, ये पिन लगाना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, उसके बाद ही चलेगा। देखो कितने क्यूट क्यूट फ्रीज है, वाह ये सब है ना 10 RMB का है, क्यूट है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको पता है यहाँ पे कपड़े की शॉप है, वैसे अच्छे कपड़े हैं, मैंने लिया हुआ है यहाँ से एक दो टॉप। और यहाँ पे देखो छोटे बच्चों की मैं शूज वगैरह दिखा देती हूँ आपको, कितने क्यूट क्यूट है ये देखो, छोटे छोटे बच्चों के भी इतने क्यूट क्यूट है, ये देखो कितने प्यारे प्यारे। मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ, देख कितने का है। हाँ देखो 69 RMB का है वन श्वांग, मतलब एक जोड़ी मतलब पैर, और 130 RMB की है दो जोड़ी, लाइक दो दो पीस ले सकते हो ऐसा, लाइक डेढ़ मतलब 1500 रुपये के हैं दो, और लाइक एक लोगे तो आपको 800 रुपये का होगा ऐसा है। और ये अंदर है ना गर्ल्स वाले सैंडल्स वगैरह है, हील्स वाले तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ जीन्स वगैरह भी हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। मैं देख के बता देती हूँ आपको नॉर्मली कपड़ा वगैरह कैसा है, नहीं वैसे इनका है ना कपड़ा वगैरह वो सब ठीक है। उसके बाद है ना मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बारबेक्यू यहाँ का, ये देखो ये चिकन है, बहुत स्मेल सी आ रही है, और ये तो वेज है वैसे ना, हो गया वो ब्रोकली है, और ये देखो ये आलू ही है वैसे, अच्छा है आलू बट वो पका हुआ नहीं है ज्यादा, तो इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी है ना आलू ही है वैसे, आलू तल के ऐसे ये ऑयल में और वो बनाते हैं, और यहाँ पे देखो चिकन है, देखो मैं आपको फ्रूट्स के ना यहाँ पे प्राइस दिखा देती हूँ, आप पूछते रहते ना फ्रूट्स की क्या प्राइस होती है। हाँ यहाँ पे जामुन क्या है ये, मतलब वो पता नहीं क्या बोलते उसको, अपने इंडिया में होता है ना ऐसे छोटे छोटे, ये सेतूत पता नहीं क्या होता है, ये है 15 RMB का है, देखो लाइक महंगा तो है ही सही, 15 RMB लाइक 170 रुपये का है, आई थिंक स्ट्रॉबेरी है 170 की। तो और ये देखो छोटे छोटे पता नहीं क्या है खाने का, और ये ऑरेंज है, इसकी प्राइस है 7.8 RMB लाइक 90 रुपीज की है ये वाली ऑरेंज 1 kg, देखो इतनी सारी है। और लीची भी है देखो 13.8 RMB की है, लाइक 150 रुपये की लीची है। और भी फ्रूट्स की प्राइस दिखाती हूँ, ये वाले आम है छोटे छोटे से, इनकी प्राइस है 11.8 RMB लाइक 120 रुपये। और ये वाले बड़े वाले आम है, अच्छा आई थिंक इनकी प्राइस और कम है, ये तो 80 रुपीज के ही है। और बाकी ये एप्पल तो नहीं है वैसे ना, बट एप्पल जैसा ही लग रहा है, मुझे नहीं पता। और ये आपको पता है देखो कितने बड़े बड़े बैर है, ये बैर है जो आते हैं ना बड़े, वो दूसरी वाली बैर के वो वाले बैर है ये, और आप टेस्ट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे हैं, ये देखो आप टेस्ट कर सकते हो, इससे मीठा तो है गाइस बहुत। और ये देखो कटहल है, इसको भी फ्रूट्स की तरह खाते हैं। और देखो इसकी प्राइस है, ये बैर है 150 रुपये के 1 kg, महंगे है वैसे ना,
ये वाले ऑरेंज देखो और महंगे। ये क्या है? ये अमरूद है शायद, आई थी। हाँ देखो भाई अमरूद भी है यहाँ पे, 150 रुपए के 1 kg है अमरूद की प्राइस। और ये ककड़ी जैसा ना कुछ खाने का है, देखो ये खरबूज ये पता नहीं ककड़ी टाइप का आता ना ये खेत में, ये वो है, ये है 160 रुपए के 1 kg। और देखो बनाना, मैं आपको बता दी ना बाहर वो सस्ते थे, देखो यहाँ पे 7 RMB के लाइक 80 रुपए किलो है। और ये पपीता है, पपीता भी 100 रुपए किलो है। और ये ब्लैक वाले ग्रेप्स हैं, ये तो बहुत महंगे, ये आपको पता है 260 रुपए किलो है ये वाले ग्रेप्स। ये देखो सीताफल, सीताफल की प्राइस है, ये भी बहुत महंगा है, ये तो सबसे ज्यादा महंगा, ये 350 रुपए के 1 kg है। और ये देखो ड्राई मतलब स्टार फ्रूट, इसकी प्राइस 14.8 RMB लाइक 160 रुपए का 1 kg है। और ये बड़े वाले आम है, ये है 9.8 110 रुपए के 1 kg। और ये वाले हैं, ये बहुत महंगे हैं, ये 170 रुपए के 1 kg ये वाले आम। और आपको पता है यहाँ पे जैसे कि ना ये फ्रूट्स को ऐसे ना पैक्ड भी करके रख देते हैं, तो आप इनमें से उठा सकते हो ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया ना वो कटहल जैसा, तो वो उसके अंदर ये ऐसा निकलता है कुछ खाने का, मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। और ये देखो इन्होंने पपीता को भी देखो कितना अच्छे से काट के रखा हुआ है, ये मतलब 10 RMB का है 120 का। तो आप देख ही चुके हो ना यहाँ की प्राइस फ्रूट्स की, अभी तो वैसे तो और भी फ्रूट्स है, एप्पल तो अब देखो यहाँ पे है। अब ये एप्पल की प्राइस है 5.70 रुपए के। और ये कीवी है, कीवी 130 रुपए के हैं। और ये ड्रैगन फ्रूट है, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है देखो ऐसा, मतलब ड्रैगन फ्रूट मैंने कभी नहीं खाया वैसे, टेस्ट नहीं किया, एक दो बार किया है फ्रूट्स के साथ, बाकी ऐसे कभी नहीं खाया। तो ये है 120 रुपए का 1 kg। और देखो कितने सारे वाटरमेलन है यहाँ पे, बहुत सारे। और देखो ये कटहल भी इतने बड़े बड़े, ये बहुत सस्ता 6.8 RMB का, नहीं सस्ता तो नहीं होता, लाइक 80 रुपए का 1 kg है, अब देख सकते हो कितना होगा। और ये वाले देखो एप्पल है, एप्पल भी देखो कितने टाइप के हैं, ये ऐसे वाले अलग है, इसमें एक लाइनिंग सी होती है ना रेड रेड सी ऐसे। और ये वाले नॉर्मल मिलते हैं अपने वो हैं, ये 150 रुपए के 1 kg। और ये खरबूजे खरबूजे टाइप में कुछ है, ये देखो ये वैसे अच्छा होता है, आई थिंक ये है 10 RMB का 120 का 1 kg। तो देखो ये फ्रूट्स की शॉप है, और इसमें मैंने आपको प्राइस दिखा दिया लगभग सारे एप्पल। और देखो एप्पल एक टाइप के और एप्पल है, ये ऐसे वाले शेप के, एक ये एक वो है। और ये देखो यहाँ पे चिप्स, मतलब ये फ्रूट्स वाले चिप्स है देखो, है ना, ये ना आपको पता है ये मैंगो से बना हुआ है, ये देखो ऐसे चिप्स लाइक इन्होंने वो स्लाइस काट के से सुखा के या कुछ करके इन्होंने प्रिजर्व किया इनको। और तो ये सारा वैसा है। और यहाँ पे देखो मैं आपको इमली दिखा दूँ, और भी यहाँ पे भी देखो ये इमली मिलती है पूरी, ये देखो, बट ये बहुत महंगी है, 15 RMB की है, लाइक 170 रुपए की है। और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे छोटे छोटे टोमेटो को भी देखो फ्रूट जैसे खाते हैं ये लोग, ये है 10 RMB का, 120 रुपीज का है ये भी। तो ये है गाइस फाइनली फ्रूट वाली शॉप, तो मैंने आपको सबका प्राइस बता दिया यहाँ पे क्या क्या प्राइस होता है सबका। यहाँ पे देखो ये छोटे बच्चों की शॉप है, छोटे बच्चों के कपड़े है इसमें, देखो कितने क्यूट क्यूट है, मैं आपको किसी की प्राइस भी पूछ के बताऊंगी अभी। और देखो छोटे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गर्ल्स के, देखो कितने क्यूट क्यूट पर्स है उनके लिए। ये वाला पर्स है गाइस मेरे पास, ये वाला सेम टू सेम ये शॉप है, देखो कितने प्यारे प्यारे ड्रेस है यहाँ पे। देखो उसके बाद अब आगे चलते, देखो ये बच्ची देखो फोन में गेम खेल रही है, फोन की शॉप है, देखो कितना प्यार है यहाँ पे, बच्चे ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे भी देखो क्रॉक्स वगैरह भी हैं, देखो कितने प्यारे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ प्राइस भी बताती हूँ। देखो यहाँ की क्रॉक्स की देखो कितने प्यारे हैं, अब जैसे मेरा तो पिंक फेवरेट है तो मैं इसी प्राइस बताती हूँ आपको पूछ के, इस वाले की लवन
जगह दो शाओचिन ईशा अर्शपा अर्श अर्शपा ओह हाउ द लाइक ये है गाइस 28 आरएमबी का लाइक 300 रुपीस का लाइक सही है गाइस क्योंकि इंडिया में भी नहीं मिलते इतने सस्ते तो वैसे 300 रुपए में मिलते ही होंगे इतना तो आराम से 400-500 के तो बहुत सही है बहुत इनका लाइट वेट भी बहुत है जगह हनहा देखो बहुत क्यूट क्यूट है और भी है यहाँ पे देखो फिर से ये रोस्टेड डक है ये देखो बहुत गंदी होती है मेरे को तो और यहाँ फिर से फ्रूट्स की शॉप है और ये फिर से वही सारा नॉन वेज हाँ आपको क्या ही दिखाऊं और यहाँ पे ऐसे ना ये ना थोड़ा थोड़ा पता है आपको मोमोज की तरह लग रहे हैं बट इनके सारे के अंदर चिकन वगैरह यही सब है और ये तो ब्रेड वाली चीजें लाइक केक वगैरह ये देखो कितना सारा चिकन है देखो हाँ इतना चिकन खा खा के लोग ऐसे ही हो गए और देखो ये फ्रूट्स की शॉप है फिर से बट मैंने ऑलमोस्ट आपको फ्रूट्स की तो प्राइस दिखा दी है मुझे तो बहुत क्यूट लगे छोटे छोटे से रेड रहे और अब देखो मैं ना फाइनली मैं जाने वाली हूँ और मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ यहाँ पे है देखो फ्रिज की शॉप जहाँ से मैंने अपना फ्रिज लिया था तो वो भी यहीं पे है मेरा फ्रिज लाइक न्यू मतलब मैंने यहीं से लिया था वो इस वाली शॉप से और ये विलेज में ये सेकंड है फ्लैटेड वाले में और देखो यहाँ पे सिगरेट कितनी फेमस है इतनी सारी सिगरेट है और मैं ना अभी अपनी बिट्टू से ही आई हूँ यहाँ पे फिर से देखो क्रॉक्स की वापस से शॉप आ गई है थोड़ा सा एक बार ओनली दिखा देती हूँ आपको नो वो यार और देखो यहाँ पे बस खाने पीने के पता नहीं क्या क्या खाते रहते ये लोग तो क्या आगे देखते क्या है ये आलू टिक्की वैसे अच्छी होती है ये आलू की टिक्की है और यहाँ पे भी देखो फिर से आ गया नॉन वेज ये देखो आग में पक रहा है मतलब गर्म हो रहा है ऐसे और ये वापस से सी फूड आ गया और नेक्स्ट में यहाँ पे देखो फिर से नॉन वेज आ गया ये लोग पता नहीं क्या ही खा लेते इतना सारा यहाँ पे देखो क्या है ये देखो पूरा इतना सारा नॉन वेज यहाँ पे अच्छा है अभी जैसे फ्रूट्स है ये अच्छा है और यहाँ पे देखो ये छोटे बच्चों को खिलाते रहते हैं यहाँ पर ऐसा वीडियो गेम वगैरह का ऐसा इनको अच्छा फील हो हेलो ये देखो बच्चे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे ये देखो यहाँ से फायरिंग करते हैं इसे इनको फीलिंग होता है लाइक हम रियल में खेल रहे हैं हेलो ये आओ कितना क्यूट है हंस रहा है निदा ये बहुत अच्छा है यहाँ पे बच्चों को वहां पे भी है देखो कुछ ये फिर से आ गया छोटा बच्चा और यहाँ पे देखो फिर से देखो क्या है ये देखो बारबेक्यू अब देखो ये ना प्रॉन है देखो और ये देखो नॉन वेज पूरा देख सकते हो आप खुद ही ये पूरा नॉन वेज है बस वेज में ये है आलू और ये लौकी और ये पत्ता गोभी है ये वेज है बस बाकी पूरा नॉन वेज था और देखो आपको मैं ना सेकंड वाली शॉप दिखाती हूँ क्रॉक्स की बहुत प्यारी है इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर है ना बहुत क्यूट क्यूट मिलते हैं ये देखो कितने प्यारे प्यारे देखो सारी ये देखो कितना क्यूट है ना और बाकी देखो ये वाली भी बहुत अच्छी है वैसे देखो
और इसमें देखो जैसे हील्स भी है इसमें अच्छे से। रवन दो शाओ चेन शंस जो लाइक ये है गाइस 450 रुपीस का 39 आरएमबी का ये। और देखिए यहाँ पे देखो सामने ही ना लाइक फोन के स्टैंड वाली शॉप है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे स्टैंड देखो, ये भी देखो कितने क्यूट क्यूट है ना। आप इसको ज्यादा ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे आप फोन रख सकते हो। और ये नॉर्मल वाले स्टैंड है फोन के। और ये ना मेरे बिट्टू के भी है एक ऐसा स्टैंड है, एक बाइक पे भी कभी अलग से होता है। तो मैंने देखो आपको सारा घुमा दिया और मैंने राइस भी खा लिए थे और थोड़ा वॉक भी हो गया ऐसे सारा। और मैंने आपको सारे फ्रूट्स भी खा दिए यहाँ पे और शॉप वगैरह नॉर्मल और उनके प्राइस वगैरह भी। और मैं बिट्टू से आई हूँ तो मैंने बिट्टू को थोड़ा बाहर ही पार्क कर दिया था, तो मैं अब वहीं पर जा रही हूँ। तो थोड़ा पैदल चलना भी हो गया तो सही है। और अभी मैं अब रूम पर जस्ट निकलने ही वाली हूँ। तो आप लोग बताना आपको यहाँ की चीज़ें कैसी लगी। और लाइक और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो आपको लाइक यहाँ के बारे में तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, मैं घर रूम पे जा रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।